मम्मी फोन करी थी, वो भी बाहर ही है, अभी माइक में गए थे, उन्होंने कहा मेरा भी वेट करना। तो व्लॉग हो रहा है भाई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो 8-10 दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया था, एकदम तगड़ा वाला बीमार। और अगर आपने मेरा पिछला वाला व्लॉग नहीं देखा तो जाके वो भी देख लो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो आज का दिन ना बड़े मज़ेदार होने वाला, व्लॉग बने रहना, ज़रा सा भी स्किप नहीं करना। और अभी मौसम बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि अब बारिश हो रही है, उसके साथ धूप भी, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और अगर आप सुपरा वाले हो तो भाई दिल से बुरा लगता है, इस रमजान में आपको क्या खाने को मिल रहा है, कसम से दिल से बुरा लगता है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। मैं समझ सकता हूँ आपका दर्द। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी वक्त चोरी के। गाड़ी इसलिए बाहर निकाली गैराज से क्योंकि बारिश पड़ रही, तो उसकी वजह से थोड़े साफ होगी। अब भी सुबह के 8 बजे नहीं होते कि ये सेल वाले आ जाते हैं, सब्जी वाले भी रोज सुबह सुबह आ जाते हैं, क्योंकि कुछ काम वाम है नहीं। तो जी अभी 2:45 हैं और मैं अभी 12 मोला जा रहा हूँ, मेरी क्लास है, क्लास 2 बजे है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ, मैं नमाज पढ़ने गया था अब, और मौसम भी ख़राब है, तो इसलिए मैं आज बाइक नहीं गाड़ी ले जाऊँगा। तो चलो चलते हैं। चाबी होती है। तो मैं घर से निकल चुका हूँ, मेरा दोस्त फ़ोन कर रहा था, कह रहा था क्लास लगने वाली है जल्दी से आ जा, तो बस मेरे को भी अब 5-6 मिनट लगेंगे, नहीं कम ही लगेंगे क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा सा है। और वो कह रहा था जल्दी से आ जा, सा कह रहे काम, मैं कल भी नहीं गया था क्योंकि मैं कल बीमार था, पता तो है वैसे, मैं 8 दिनों से बीमार, मैं कल भी नहीं गया था, आज भी जा रहा हूँ, कह रहे क्लास लगने वाली है जल्दी से आ जा। तो तेरी ट्रैफिक पुलिस वाले थे, उन्होंने मुझे रोका ही नहीं, अब वहाँ से तो मसला होगा फिर। आज़ादगंज का मार्केट है ये, 12 मोला का जो आज़ाद का ठुक जाता है अभी। तो पहले हम गाड़ी किसी जगह लगाते हैं, आज गए तो जी हम पहुंच गए, अब उतरते हैं गाड़ी को, लॉक लगाते हैं। चलते हैं अब अंदर। काफी लेट हो गया, मैं पहुंच गया। 2 hours later. तो जी बस क्लास हो गई, अब बस निकलते हैं, थोड़ा सा काम है यहाँ, पहले वो करते हैं क्योंकि आप फोटो शूट करना है 1-2 दिन के बाद, तो उसके लिए लोकेशन ढूंढने के पहले कहाँ करेंगे, कौन सी जगह सही रहेगी, तो पहले देखते हैं क्या क्या सीन रहेगा। आगे व्लॉग में बने रहना और सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम थोड़ा इधर आए थे पार्क की तरफ क्योंकि हमें फ़ोटो शूट करने के लिए कोई लोकेशन चाहिए, आज नहीं करेंगे 2-3 दिन के बाद करेंगे, पहले उसके लिए एक ये लोकेशन है, अब आगे जाएंगे देखते हैं अब आगे कौन सा सही रहेगा, चलो देखते हैं आगे क्या। कपड़ा मारते हैं पहले। तो ये रही हमारी दूसरी लोकेशन, यहाँ पर करेंगे, अभी अंदर नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, पहले कुछ ये दूसरी लोकेशन है हमारी, यहाँ करेंगे। तो जी बस लोकेशन आप मिल गई है, अब 2 दिन के बाद आएंगे या 3 दिन के बाद जब टाइम मिले, अभी पहले जाना है, मेरी बहन स्कूल से आती होगी, पहले उसको लेने जाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं, आप लोग में बने रहना। तो चलो हमने गाड़ी पार्किंग में रख दिया क्योंकि आगे ट्रैफिक बहुत होता है, इसलिए नील आई। तो जी अब वो आ गए, बहन भी आ गए, तो अब निकलते हैं यहाँ से, थोड़ा सा काम, मम्मी ने फ़ोन किया, मम्मी को भी लेना है, तो निकलते हैं। मम्मी फ़ोन करी थी, वो भी बाहर ही है, अभी माइक में गए थे, उन्होंने कहा मेरा भी वेट करना। तो व्लॉग हो रहा है भाई। तो जी बस अभी मम्मी का वेट कर रहे हैं कि इस पर पहले एक्सीडेंट से थोड़े मजाक किया तो कोई बात नहीं, तो अभी मम्मी का वेट कर रहे हैं, कह रही है बस आ रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हुआ, इसको भी जाना है, इसके मामू के घर जाना है भाई को, सिर्फ मामू। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। चेतन आ जा, आ जा। तो जी हम घर पहुंच गए हैं, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, अभी इफ्तारी में 3-4 घंटे हैं, नहीं 3 घंटे हैं, अब हाथ में धोते उसके बाद मिलते हैं, तो थोड़ा आराम भी करेंगे, तो मिलते हैं बाद में। रोज़ा नहीं रखा है ब्रांड, चलो मिलते हैं अभी बाद में, बाय बाय। तो जी असर की नमाज हो गई, अब हम बाहर जा रहे हैं, कुछ काम है, पहले वो करके आएंगे, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो बस निकलते हैं। अगर अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ ब्रांड, उसको ले जाओ अंदर, ले जाओ। तो जी जो काम था वो हो गया, अंकल को खाना देना था, अब बस यहाँ से अब घर चलते हैं।
यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है ये सब। कह रही मैं भी थोड़ा टाइम रह गया है तो भाई यात्रा बन जाए पेट्रोल। अरे एक बंदे की स्कूटी ख़राब हो गई थी और उसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था, हमने कहा बोतल दे दे हम पेट्रोल आते हैं। तो जी ये था आज का व्लॉग, अगर आपको व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करना और लाइक भी करना और शेयर तो ज़रूर करना। हम मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।